टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अस्पताल कोविड मृतकों के शवों को सम्मानजनक स्थिति में नहीं रख रहे हैं। कई मामलों में मृतक के परिवार को सूचना तक नहीं दी गई और कुछ मामलों में परिजन मृतक का ठीक तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। अदालत ने संक्रमित मरीजों के इलाज और उनके साथ ही शवों को रखे जाने की घटनाओं को दिल दहलाने वाला बताया। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही भयावह और दयनीय है। दिल्ली के LNJP अस्पताल का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि 2000 बेड में 870 ही भरे हैं, लेकिन उसके बाद भी मरीजों की देखभाल ढंग से नहीं हो रही है। अदालत ने दिल्ली में टेस्ट की संख्या में कमी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि टेस्ट कम करना समस्या का समाधान नहीं है। अदालत ने टेस्ट बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा। कोविड-19 मरीजों के इलाज और मृतकों के शवों को सम्मानजनक तौर पर रखने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट अगले बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोविड से मरीजों के इलाज और अन्य इंतजामों का जायजा लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद BJP ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस संकट से निपटने में विफल रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अदालत की बातों को लेकर गहराई से सोचने की जरूरत है। उसे राजनीति और प्रचार को एक तरफ रखकर जमीन पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हम राजनीति नहीं चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार की राजनीतिक हथकंडों को आपने कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है, हमें लगता है इन हथकंडों को आपको बंद करना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सिर्फ बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार की राजनीति को वो दरकिनार करें। जब 78% कोरोना मरीज होम क्वारंटाइन है, सिर्फ 22% मरीज जो कोरोना के हैं वो अस्पतालों में हैं, और उसमें से काफ़ी कम संख्या सरकारी अस्पतालों में है। ये सरकारी अस्पतालों की जो बद इंतजामी और शवों के साथ जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले दृश्य, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखते नहीं है क्या? दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों की संख्या पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बताए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली नगर निगम का दावा है कि दिल्ली में गुरुवार तक 2098 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। दिल्ली के अंदर मार्च के महीने से लेकर के और 10 जून तक का जो आंकड़ा है, उसमें तीनों नगर निगम का मिला करके जिन लोगों के परिजनों को दुखद मौत हुई है, उनका जो हमने संस्कार किया है वो लगभग 2098 केस हैं जिनका हमने कब्रिस्तान और शमशान घाट पे संस्कार किया है। ये बिल्कुल सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। सस्पेक्टेड जो केस हैं उनका हमने अलग आंकड़ा दिया था। लगभग 200 केस वो भी हैं जिनका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है। कुल मिलाकर दिल्ली में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों